लोकसभा चुनाव में इस बार प्रदेश की जोधपुर सीट सुर्खियों में है, क्योंकि यहां कांग्रेस से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत और भाजपा से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में मुकाबला होना है। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में शेखावत ने गहलोत को लेकर चुटकी ली तो वैभव गहलोत को जोधपुर के लिए उन्होंने उन्हें प्रवासी राजस्थानी बताया है। हालांकि इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस मुकाबले को कठिन मानते हैं तो शेखावत का कहना था कि मुकाबला चाहे जो भी हो वह अच्छा मानते हैं और कभी भी मुकाबले को एकतरफा मानकर नहीं लड़ते। इस दौरान शेखावत ने यह भी कहा कि अब की बार मोदी की लहर नहीं बल्कि सुनामी है और केंद्र में वापस मोदी की सरकार बनेगी। प्रवासी राजस्थानी प्रवासी जोधपुर के वहाँ आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते। मुकाबला अच्छा होगा या एक तरफा होगा? ठीक है, मुकाबले को हमेशा अच्छा ही मानना चाहिए, चाहे वो एक तरफा हो चाहे संघर्ष का हो, मुकाबला हमेशा अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मैं भी चौकीदार हूँ, कार्यक्रम कल पूरे देश में हुआ, लाखों करोड़ लोगों ने सुना, ऐसे में तमाम चौकीदार जोधपुर में तैनात रहेंगे? निश्चित रूप से रहेंगे और सब लोग मिलकर के काम करेंगे, और मैं भी चौकीदार हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह भाव केवल चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अभी तो मैं इस देश के प्रत्येक संसाधन का चौकीदार हूँ, मैं इस देश के प्रत्येक असट का चौकीदार हूँ और देश के प्रत्येक हित को साधने का चौकीदार हूँ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।